चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निडर करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। अगला, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। अगला है, आवित्तीय विधेयकों को राष्ट्रसभा कितने समय तक रोक सकती है? 6 माह तक। अगला है, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 10%। अगला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 का। अगला है, संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता प्रदान की गई है वर्ष 1977 में। अगला है, संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती का मामला 1973। अगला है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है संसद को। अगला क्वेश्चन है, भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति की। अगला है, संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन 6 व 9 मई 1961 को बुलाया गया, इसमें कौन सा विधेयक पारित हुआ था? दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959। अगला है, प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वह व्यक्ति जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला है, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तथ्यों के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है? 44वें संविधान संशोधन। संविधान का 89वां व संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग से। अगला है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार कौन राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला है, भारत के संविधान की 34वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित कार्य जानकारी वर्णित। आपको बता दें कि अभी जो 2019 में एक विधेयक आया हुआ है उसके अनुसार अगर अब मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का अध्यक्ष एसटी के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को भी नामित किया जा सकता है। याद रखिए, अभी ये संशोधन विधेयक है, अगर पारित हो जाता है तो ये उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उसके उनके क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है? पहली अनुसूची में। अगला है, किस अधिकार को डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर ने द्वारा संविधान की आत्मा कहा था? वह संविधानिक उपचार का अधिकार। अगला है, अवशिष्ट शक्तियां विषय वे हैं जो संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। बताइए, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्रीय सरकार के पास। अगला है, संविधान की सूचियों में शिक्षा किस सूची में निर्देशित है? समवर्ती सूची में। अगला है, भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? धारा 15। बेगार पर निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 22 के दिन किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने पर कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है? 24 घंटे।
अगला है, सदन के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर मत भिन्नता की स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिए, और इसे बुलाता है राष्ट्रपति। अगला है, भारत के नियंत्रक और महालेखाकार को किस समिति के मित्र, संरक्षक तथा दार्शनिक के रूप में वर्णित किया जाता है? लोक लेखा समिति के। अगला है, भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। अगला है, किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? जम्मू कश्मीर। अगला है, राज्य के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। अगला है, ब्रिटिश सरकार से राष्ट्रवादियों की संविधान सभा के गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर अपवादों के साथ किस प्रस्ताव योजना एक्ट से ने स्वीकार किया था? अगस्त प्रस्ताव में। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन सा प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधित प्रावधान को। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः किस मौलिक अधिकार को निलंबित करती है? स्वतंत्रता के अधिकार को। अगला है, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? अधिक से अधिक 6 माह तक। अगला है हमारा, राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य है? अगला है, राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य है? संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट। अगला है, अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे सकता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र। अगला है, भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन होता है केवल लोकसभा के सदस्यों से। अगला है, भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? महालेखाकार का। अगला है, विनियोग अधिनियम सरकार को किसने धन विनियोग करने के लिए अधिकृत करता है? संचित निधि से। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? संसद को। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? अनुच्छेद 315 के। अगला है, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत। अगला है, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद में स्वीकृत है? अनुच्छेद 108 में। अगला है, कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा विवृत किए जा सकते हैं? जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार। अगला है, यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य ना हो तो वह केंद्र में कितनी अवधि से अधिक मंत्री नियुक्त नहीं हो सकता? 6 महीने। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 335। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 366। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की किस आयु से अधिक होने पर नहीं बन रहे हैं? सकते 70 वर्ष। अगला, वह रेट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है वह अपना कर्तव्य पालन करे कहलाती है? परमादेश रेट। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधियां विशेषाधिकारों तथा पीवी परिषद को समाप्त किया गया? 26वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को किस से वेतन दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, ऐसी किसी भी योग्यता की आवश्यकता
सकता नहीं है। अगला है, हिंदू आचार संहिता को लेकर प्रधानमंत्री ने किस राष्ट्रपति का विवाद हुआ था? तो याद रखिए ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद कितनी अनुसूचियां? तो लगभग 442 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र में बनाया गया? 1962। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? राष्ट्रपति। अगला है, क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयक के लिए की गई सिफारिश को मानने को बाध्य है? नहीं। अगला है, को लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देता है नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले? अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा कब की जा सकती है? मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। चलिए तो आपको बता दें, आप जम्मू कश्मीर से संबंधित ज्यादा न्यूज आ रही, तो इसमें आप स्पेशल वीडियो फॉर आईएएस। तो आपको बता रहे हैं हम लोग कि जम्मू कश्मीर से जो भी प्रावधान हटे हैं, जो थे, पूरी कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, पहले वीडियो बना चुके हैं इससे संबंधित, हम बात कर चुके हैं स्पेशल वीडियो फॉर आईएएस पीसीएस पीएससी, इसी प्ले स्टोर में जाइए, उसी में दिया गया है जम्मू कश्मीर से संबंधित जानकारी आर्टिकल 370 के बारे में, आर्टिकल 370 35 से जो अभी खत्म हुए हैं उससे संबंधित जानकारी सब कुछ उसी में मिल जाएगा आपको, तो उसे जाकर देख सकते हैं।